में मिलाने वाले रॉकी भाई डरते हैं इस शख्स से। क्या फिल्मों और उनके सितारे के हम इतने बड़े फैन हो गए हैं कि उनके लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आपको बता दें कि बॉलीवुड के सलमान खान और शाहरुख खान के कुछ ऐसे क्रेजी फैंस हैं जो उनके हेयर स्टाइल से लेकर कपड़ों तक, उनके ब्रेसलेट से लेकर उनके चलने के स्टाइल तक को फॉलो करते हैं। वहीं अक्षय कुमार की एक फैन ने उनके नाम का टैटू अपने हाथों पर बनवा लिया था। और तो और केजीएफ फिल्म यश के फैन ने तो खुदकुशी कर ली थी उनसे मिलने के चक्कर में। और अब ये फैंस अपने फेवरेट स्टार रॉकी भाई और यश को लेकर कोई गलत कमेंट या मिमिक्री तक नहीं सहन कर सकते हैं। अभिनेता और स्टैंड अप कॉमेडियन सुदर्शन रंग प्रसाद से यश के फैंस 2019 के शो में केजीएफ स्टार पर एक मजाक को लेकर आज तक नाराज है। उन्हें उन बदमाशों से जान से मारने की धमकी भी मिली जो उनसे यूट्यूब से वीडियो हटाने की मांग कर रहे थे। इन थ्रेट वार्निंग के बाद सुदर्शन ने इस मामले में बेंगलुरु साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने यश के फैन से भी हरासमेंट रोकने की अपील की है, जबकि उन्होंने कहा कि उन्होंने कन्नड़ अभिनेता के खिलाफ कोई अपमानजनक कमेंट नहीं किया था। 2 साल पहले एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में सुदर्शन रंग प्रसाद ने यश के डायलॉग की नकल करके दिखाई थी। उनका ये जोक यश के फैंस को अच्छा नहीं लगा है। विशेष रूप से उन्होंने रॉकी भाई पर उनकी फिल्मों के किरदारों के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से फैंस को क्लियरली चोट पहुंचाई है। अपने फेसबुक पेज पर सुदर्शन रंग प्रसाद ने उन्हें मिली गालियां और धमकियों के स्क्रीनशॉट शेयर किए और लिखा कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्य और अपने कॉलेज के लोगों की रिस्पांस को लाइकली पेश करने के लिए 2 साल पुराने वीडियो में यश के डायलॉग्स की नकल। बता दें पवन वाटियार की मूवी गुगली में यश के साथ काम कर चुके एक्टर का दावा है कि उन्होंने केजीएफ स्टार को क्रिटिसाइज नहीं किया था, फिर भी वो अपनी कमेंट्री और मिमिक्री के लिए फैन से माफी मांगते हैं। अगर उनके इस मजाक से किसी को ठेस पहुंची हो तो उन्हें माफ कर दे। सुदर्शन ने आगे कहा कि मैंने यश के साथ काम किया है, लोग मेरी स्टेटमेंट को गलत समझ रहे हैं और मुझे पूरी तरह से गालियां दे रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे मजाक को गंभीरता से ना लें और इस ट्रोलिंग को तुरंत रोकें। मेरा इरादा किसी को चोट पहुंचाने या उनका अपमान करने का ना था। एक्टर ने कहा कि उन्हें फैन से अपमानजनक एसएमएस और जान से मारने की धमकी मिल रही है। मुझे यकीन है कि आपकी प्रिय यश आपके व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कंफ्यूजन निकाला। वहीं दूसरी ओर अपने पति और स्टैंड अप कॉमेडियन सुदर्शन रंग प्रसाद के मजाक पर कन्नड़ एक्टर संगीता भट्ट को यश के फैंस द्वारा सेक्सुअल अब्यूज और शातिर तरीके से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उन्होंने अब रॉकी स्टार और उनकी पति राधिका पंडित को इस मूवी से जुड़ने और उनकी मदद के लिए वो हाथ लगाया। अपने फेसबुक अकाउंट पर संगीता भट्ट ने अपने रास्ते में आने वाली गालियों की स्क्रीनशॉट शेयर की और लिखा, मैं आमतौर पर इस तरह के कमेंट्स या पोस्ट के लिए परेशान नहीं होती, क्योंकि जहाँ तक मैंने मूवी इंडस्ट्री में काम किया है मैंने केवल मेरा बेस्ट देने पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन ये मामला हाथ से निकल गया है। लोग अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुँच रहे हैं। ये पोस्ट केवल कुछ उदाहरण है। मैं आशा और कामना करती हूँ कि यश पर गौर करे और इसे समाप्त करे। वहीं प्रसिद्ध कन्नड़ एक्टर यश के केजीएफ में अपनी माचो छवि के कारण पूरी दुनिया में फैंस हैं। वो ब्लॉकबस्टर मूवी केजीएफ में विलन को धूल चटाते नजर आए थे। बड़े पर्दे पर उनकी लीडर अदाओं को फॉलोवर्स खूब पसंद करते हैं। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि जो यश बंदूक के गर्म बैरल से सिगरेट जला लेते हैं, जो 50-50 दुश्मनों को एक साथ हरा देते हैं, या सब जिंदगी में वो अभी एक शख्स से बहुत ज्यादा ही डरते हैं। वो शख्स का गुस्सा रॉकी भाई और यश के पसीने छुड़वा देता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन है जिसे केजीएफ स्टार सबसे ज्यादा डरते हैं। जिस शख्स के बारे में स्टार ने खुलासा किया है वो खुद उनकी पत्नी राधिका पंडित है। चेन्नई में आयोजित एक वेब आधारित मनोरंजन पोर्टल द्वारा आयोजित एक पुरस्कार समारोह में यश ने खुलासा किया था कि वो अपनी पत्नी राधिका पंडित से सबसे ज्यादा डरते हैं। यश कहते हैं कि अगर मैं देर से घर आता हूँ तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। मैं किसी भी तरह के ऑन स्क्रीन मोशन को बर्दाश्त कर सकता हूँ, हालांकि घर में काफी परेशानी भरा होता है। इसको मालूम था कि केजीएफ का रॉकी भाई जो बदीरा और उसकी पूरी फौज से लड़ने जा रहा है, जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री ने अरेस्ट वारंट भी जारी किया था और जिसने कोलार पर अपनी हुकूमत जमा ली, उसकी भी कोई वीकनेस हो सकती है। केजीएफ एक अपकमिंग एक्शन ड्रामा मूवी है। निशान टीम द्वारा लिखित और निर्देशित पीरियड ड्रामा एक्शन मूवी और होम बेस्ड फिल्म के बैनर
तेलुगु किरण दूर द्वारा निर्मित दो पाक श्रृंखला की दूसरी किस्त ये 2018 की मूवी केजीएफ बधाई 1 की अगली फिल्म है। मूवी में यश संजय दत्त श्रीनिधि शेट्टी रवीना तंडन और प्रकाश राज नजर आने वाले हैं। यानी किसी की बीवी परेशान है तो कोई खुद अपनी बीवी से ही परेशान है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब क्या यश सुदर्शन और उनकी बीवी की मदद